नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सत्यजीत शर्मा क्लास परिवार की ओर से। मैं आज कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातें आप सभी के सामने करने के लिए आया हूं, और ये बातें कुछ ज़रूरी हैं जो हम सबको जानना भी और हम सबको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सभी को विदित है कि लॉकडाउन अभी चल रहा है। इस समय में कुछ बच्चों की या कुछ विद्यार्थी जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हम सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी समस्याओं का सामना कई बच्चे कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के हित में या हित को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए मध्य प्रदेश की जो है क्लासेस वो अभी आपकी चल रही है, और ज़िलेवार उसमें आपको अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आप सभी के सामने या सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। विशेष करके जो वर्ग 3 के विद्यार्थी हैं उनसे जुड़ने का मैं सीधे यहाँ प्रयास करूँगा। साथ ही मैं MP पुलिस या MPSI वाले स्टूडेंट हैं या MPPSC वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ विशेष बातें मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। दोस्तों, एक बड़ा सवाल हम सब के मन में उमड़ता है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, समय बहुत ज़्यादा है, समय से निकल नहीं रहा है, और कई प्रकार की परेशानियों का सामना करने को या करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी को याद दिला दूँ या मैं एक बार विशेष रूप से आपको समझा दूं कि एकांत जो होता है बुद्धिमान लोगों के लिए वो एक सकारात्मक रूप होता है। अगर बुद्धिमान मनुष्य है तो एकांत का बहुत ही सही तरह से प्रयोग करके अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्यारे दोस्तों, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हो, आपको अपने कमजोर पक्ष को निकालना है, ध्यान में रखना है, और जो खाली समय आपको मिला है, ये एकांत मिला है, इसका सदुपयोग करना है। इसको सकारात्मक पक्ष में लेते हुए आपको अपने कमजोर पक्षों पर आपको जो है पूरी तरह से ध्यान देना होगा। अभी कल वर्ग 3 की परीक्षा तिथि को जो है घोषित कर दिया गया है और निर्धारित तिथि जो है 19 सितंबर रही है। तो प्यारे दोस्तों, पहले मैं आप सभी के लिए एक संदेश देना यह चाहूंगा कि वर्ग 3 के जितने भी विद्यार्थी हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना भी पाठ्यक्रम आपका अभी तक करवाया गया है, जितना भी कक्षा में आपको करवाया गया, आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, कंठस्थ कर लीजिए। दूसरी बात ये कि जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये समझ से बाहर की चीज़ है, उस पर इंटरनेट की सहायता से या किसी भी अन्य जो भी पुस्तक आपके पास हो या ना हो, तो आप गूगल की सहायता से आप उस कमजोर पक्ष पर काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ऑफलाइन। तो दोस्तों, जब भी लॉकडाउन समाप्त होगा और जब भी संस्थान ओपन करने की परमिशन दे दी जाएगी, तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल उपलब्ध करा दी जाएगी। हम कतई नहीं चाहते कि आपका किसी भी प्रकार से नुकसान हो, तो इसी दृष्टिकोण में हम आपके लिए जल्द ही YouTube चैनल के माध्यम से सभी जो भी वर्ग 3 में आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी कक्षाएं हैं उन सबको हम जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहें और अपने तय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहें। प्यारे दोस्तों, आप जो ये समय मिला है इसका सदुपयोग करना सीख जाइए, सबसे बड़ी बात। जैसे इस संदर्भ में मुझे डॉक्टर विकास दिव्यकर्ति के माध्यम से एक कहानी देखने को मिली थी आपने, और मैंने शायद उसे शेयर भी किया था। आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, न्यूटन्स को सभी जानते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटी का जो नियम है उनके द्वारा दिया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन 1665 ईस्वी में एक प्लेग नामक महामारी ने अपना भयानक रूप दिखाया था। उस समय न्यूटन ने क्या किया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और
उस समय जैसे इस समय लॉकडाउन हुआ है ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई थी, तो उनको सन 1665 से लेकर 1666-67 तक 1.5 साल उनको एकांत में रहने का अवसर मिला। दोस्तों यही वह अवसर था, इसी अवसर का उन्होंने पूरी तरह से फायदा उठाया और काफ़ी विचार किया, गहन अध्ययन किया, क्योंकि उनको जो समय मिला था उन्होंने सही दिशा में उसका उपयोग किया था। तो प्यारे दोस्तों आपको भी समय मिला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप न्यूटन बन जाइए, लेकिन आपका जो निर्धारित लक्ष्य है उसे सकारात्मकता के साथ उसे पाने के लिए निरंतर अपने आप में जोश और जुनून को भरकर उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चलिए। तो प्यारे दोस्तों आपके लिए जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस भी आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, और वर्ग 3 से संबंधित और भी जितना भी डाटा रहेगा हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। दूसरी बात ये कि समय को आपको व्यवस्थित रूप से बांट लेना है। दोस्तों जो ये लॉकडाउन है ये विद्यार्थी के लिए कोई नकारात्मक पक्ष नहीं है, उनके लिए तो सकारात्मक पक्ष है। ये सौभाग्य की बात है कि आपको समय मिला है, दुर्भाग्य की बात उनके लिए है जिनके पास खाने की समस्या है, रहने की समस्या है, सही से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उन सब लोगों के लिए हम अपने स्तर से, आप भी, सरकार भी, सभी बहुत कुछ कर रही है, तो उनके लिए समस्या है। ये एकांत या लॉकडाउन जैसी स्थिति है ये विद्यार्थियों के लिए तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। आप अपने दैनिक जो दिनचर्या है इसको व्यवस्थित रूप से बांट लीजिए और उसको इस तरह से नियोजित कीजिए कि मुझे 8 घंटा या 10 घंटे मुझे पूरी तरह से पढ़ाई में देना है, मुझे इतने कोर्स या इतने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। आपका एक निर्धारित लक्ष्य रहेगा तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप उसे जरूर प्राप्त करेंगे। तो प्यारे दोस्तों जो भी कमज़ोर पॉइंट आपके हैं, जो भी कमज़ोर सब्जेक्ट हैं, आप उन पर काम कीजिए, उनको जितना हो सके आप अच्छे से अच्छे तरह से तैयार कीजिए, और जो भी समस्या आएगी आप सीधे सीधे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे तो उन पर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों नकारात्मकता किसी प्रकार से अपने अंदर आने नहीं देना है, जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहना है, और यही संदेश हमारा है संस्थान की ओर से। आप सभी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, संस्थान आपके हित के लिए निरंतर कार्यरत है और आगे भी आपके हित में ध्यान में रखते हुए ही हम कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों आपके लिए आज इतना ही, मैं इसीलिए यहाँ पर आया था कि आपके लिए जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस हम उपलब्ध करा देंगे, और 19 सितंबर मान के चलिए आपकी जो तिथि दी गई है परीक्षा बिल्कुल होके रहेगी, किसी प्रकार का इसमें कोई बदलाव की संभावना अब नहीं बनती है। कोई भी महामारी हो तो जीवन भर बनने रहने वाली नहीं है, कुछ समय के बाद ये महामारी भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो समय है ये समय एक बार निकल गया तो वापस आने वाला नहीं है। इस समय का जिसने सदुपयोग कर लिया उसने अपने भविष्य का निर्माण कर लिया, लेकिन जिसने ये समय खो दिया उसने समझ लीजिए अपने भविष्य को वो पीछे की ओर ले जा रहा है। मेरे पास कई प्रकार के कॉल्स आए, कई प्रकार के मैसेज आए, बच्चे बोलते हैं कि सर घर वाले बहुत काम करवा रहे हैं, परेशान हो गए हैं। तो दोस्तों इतना संदेश देना चाहूँगा कि आपको इन 2 माह में 1 माह में इतना सा काम करने में इतनी परेशानियाँ हुई, तो अगर आपने अपने जीवन को सुरक्षित नहीं किया तो आगे भी आपको यही काम करना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों आपके सामने जो है PEB के द्वारा कैलेंडर डाल दिया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाइए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूँ उससे पहले मुझे मार्टिन लूथर किंग की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आप दौड़िए, आप निरंतर दौड़िए, आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए। मार्टिन लूथर किंग की पंक्तियां हैं कि आप दौड़िए, आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर आप चल भी नहीं सकती है, चल नहीं पा रहे हैं तो रेंगिए, लेकिन निरंतर आगे बढ़िए। तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ मैं आज यहीं पर इसी संदेश के साथ आपको ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।